आप ये देखेंगे कि पहले जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। आरटीपीसीआर तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव के नहीं। जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ, तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमारे हमने रेड बॉक्स किया। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है हम रेड बॉक्स में उनको भेज देते हैं, वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उनका उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में ले लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को, तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है।